क्या मांगलिक, नाड़ी और दूसरे दोषों की वजह से आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं? अच्छे रिश्ते एक के बाद एक क्या आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं? तो विख्यात ज्योतिष आचार्य श्री पवन गोयल राय जी के सटीक ज्योतिष उपायों से हो सकता है आपकी परेशानी का झट से समाधान। बिना देर किए आज ही संपर्क करें 011-4329-4392 या फिर 9810707171 पर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पर विजिट करें। अपॉइंटमेंट बुक करें अभी इसी वक्त और कुंडली से संबंधित सभी सवालों का जवाब पाएं। ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व स्तरीय नाम, जिनकी सटीक भविष्यवाणियों ने दुनिया से मनवाया है अपना लोहा, फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक, कॉरपोरेट जगत से लेकर खेलों तक, आज तक इंडिया टीवी, जी टीवी सरीखे चैनलों, एफएम और न्यूज़पेपरों के जरिए जुड़े रहे अपने करोड़ों प्रशंसकों से, करोड़ों लोगों ने माना जिनकी ज्योतिषी सलाह को, ऐसे विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय साहब अब आ रहे हैं जनता के बीच ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। भविष्य की सटीक जानकारी एवं कुंडली के लिए संपर्क करें विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय साहब जी से। संपर्क करें 011-4329-4392 और 9810707171 या विजिट करें www.shivjyotish.in और info@shivjyotish.in। आप हमसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मित्रों, हम आज बात करेंगे आपसे पारिवारिक कलह की, पति पत्नी के झगड़े की, जो आज की डेट में हर घर के अंदर लगभग मिलने लगा है कि हर घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े चले जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ना चाहके भी झगड़े होने लगे? तो हमें देखना है कि आपकी कुंडली का चौथा भाव क्या कहता है, सप्तम भाव क्या कहता है। पति या पत्नी का मालिक कौन होता है? लग्न का मालिक खुद का मालिक होता है और सप्तम भाव का मालिक जो है पति या पत्नी का मालिक होता है। कहीं इनमें आपस में परम शत्रुता तो नहीं बन गई है? क्या ये कहीं अशुभ होकर तो नहीं बैठे हैं? अशुभ ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं पड़ गए हैं या अशुभ स्थान पर तो नहीं चले गए हैं? ये हमको देखना होगा। चौथा घर क्या कह रहा है आपका? चौथे घर के अंदर राहु, केतु, अशुभ ग्रह, नीच ग्रह बैठे हों तो भी परिवार के अंदर कलह बन जाती है, तो हमको इसका उपाय करना होगा। सप्तम ग्रह के लिए हमको रत्न नहीं पहनना है, सप्तम ग्रह के लिए हमको जाप करने हैं, पूजा करनी है, हमको दान करना है आपको। तो और चौथे घर के लिए आपको रत्न पहन सकते हैं आप, आपको शुभ रहेगा, आपका उसकी पूजा कर सकते हैं और चौथे घर के मालिक का आपको जाप करना है तो काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो हम ये देखेंगे कि ये चौथा भाव, सप्तम भाव या लग्न का मालिक क्या कहता है। इनको हम ठीक कर लें तो परिवार के कलह खत्म आपके होने के योग बन जाएंगे, आपस में प्रेम बन जाएगा, तरक्की होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। बाबा कृपा करें। विख्यात ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय जी ज्योतिष विद्या के महान ज्ञाता हैं। गुरुजी से ज्योतिष समाधान, ज्योतिष से जुड़ी बातों को जानने के लिए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को देखना न भूलें उनका विशेष कार्यक्रम शिववाणी। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिन्हें हम अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। गुरुजी की वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को भी लाइक करें और गुरुजी से जुड़े